नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के सातवें मुकाबले के बारे में, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने होगी। दोस्तों ये मैच बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस मैच में दो युवा कप्तान ऋषभ पंत और संजू सैमसन आमने सामने होंगे, तो ऐसे में कांटे की टक्कर हम सभी को इस मैच में देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बताएंगे इस मैच से जुड़ी पूरी खबर, साथ ही आपको बताएंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में जो आज का मैच खेलने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और संजू सैमसन के कप्तान बनने से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2021 का सातवां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच में असल मुकाबला होगा दो ऐसे कप्तानों के बीच जो पहली बार अपनी टीमों की अगुवाई कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के कारण ऋषभ पंत की कप्तानी में खेल रही है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम की कमान विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के हाथों में है, तो ऐसे में आज कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप लाइक और कमेंट करके बताएं आज का मैच कौन जीतेगा, ऋषभ पंत या फिर संजू सैमसन। दोस्तों दिल्ली ने जहां जीत के साथ इस सीजन की शुरुआत की थी, तो वहीं राजस्थान को उसके पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान ने इस सीजन के अपने पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश की थी और टीम के कप्तान संजू सैमसन ने शतक जड़ा था। हालांकि राजस्थान को करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं दिल्ली के खिलाफ मैच में पहले राजस्थान को एक बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल चोट के कारण स्टार खिलाड़ी बेन स्टोक्स अब टीम का हिस्सा नहीं है, ऐसे में उनकी जगह में डेविड मिलर या लियाम लैंगस्टन की एंट्री हो सकती है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन के अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत मिली थी और अब कागेश्वर अबाड़ा की वापसी से उसका गेंदबाजी आक्रमण और भी मजबूत हो गया है। हालांकि दिल्ली की टीम के स्टार गेंदबाज अर्निश नौरकिया कोरोना से संक्रमित होने के कारण नहीं खेल सकेंगे, लेकिन फिर भी पलड़ा दिल्ली का ही भारी है। दिल्ली की टीम ने बल्लेबाजों की मदद वाली पिच पर पिछले मैच में चेन्नई को 200 से कम के स्कोर पर रोका था। इसके बाद पृथ्वी और शिखर धवन ने शानदार पारी खेल टीम को जीत दिलाई और नए कप्तान ऋषभ पंत ने जीत के साथ सीजन की शुरुआत की थी। दोस्तों आंकड़ों के अनुसार और राजस्थान की टीम में चोट की समस्या को देखते हुए इस मुकाबले में दिल्ली का पड़ा भारी है। राजस्थान के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोटिल होने के कारण मैदान से बाहर हैं और वह कब तक वापसी करेंगे यह कहना मुश्किल है। इस बीच उसके शीर्ष ऑलराउंडर बेन स्टोक्स उंगली के चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं, तो ऐसे में दोस्तों राजस्थान की टीम इस मैच में एक बदलाव के साथ उतर सकती है। चोटिल स्टोक की जगह किसी एक नए खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स में टॉम ग्रन की जगह कागेश्वर रबाड़ा को मौका मिल सकता है। दोस्तों बात करें पिच की, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है, ऐसे में एक बार फिर यहां हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। हालांकि ओस इस मैच में भी बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है। दोस्तों हमारा मैच प्रेडिक्शन मीटर कहता है कि दिल्ली कैपिटल्स को इस मैच में जीत मिलेगी। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभाग में दिल्ली की टीम राजस्थान से मजबूत दिख रही है, हालांकि मैच के रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। दोस्तों बात करें फाइनल प्लेइंग 11 की, तो दिल्ली की टीम एक बार फिर पृथ्वी शाह और शिखर धवन से ही पारी की शुरुआत कराएगी, जबकि तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे को मौका मिलेगा। फिर मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत, सिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोनिस दिल्ली की बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करेंगे, जबकि गेंदबाजी में क्रिस वोक्स, आर अश्विन, कागेश्वर रबाड़ा, अमित मिश्रा और आवेश खान आज का मैच खेलेंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की बात करें, तो मनन वोहरा, जोस बटलर, संजू सैमसन, डेविड मिलर, शिवम दुबे, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, श्रेयस गोपाल, चेतन सकारिया और मुस्तफिजुर रहमान आज का मैच खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आप लाइक और कमेंट करके बताएं आज का मैच कौन जीतेगा।